अज़हा को नगर में अकीदत के साथ मनाया गया। मस्जिदों में सुबह 7 बजे से नमाज ईद का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। अकीदत से मनाई ईद उल अज़हा, जगह जगह अदा की गई नमाज ईद, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद दी। पेश है संवाददाता संजय मीरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। त्याग और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा में आइए देखते हैं। ईद उल अज़हा बकरी ईद पूरे हर्षोल्लास के साथ भारत वर्ष में मनाई गई। नागपुर में रविवार को ईद उल अज़हा को अकीदत के साथ मनाया गया। शहर के मस्जिदों में सुबह 7 बजे से ही नमाज ईद का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। शहर के अधिकांश मस्जिदों में सुबह 10 बजे तक नमाज होती रही। शहर के ईदगाह मोमिनपुरा, जामा मस्जिद मोमिनपुरा, शाही मस्जिद ताजाबाद शरीफ, मोहम्मदिया मस्जिद न्यू मानकापुर, बड़ी मस्जिद सदर, मस्जिद गरीब नवाज, बोरियापुरा सहित तमाम मस्जिद नमाजियों से भरा था। अधिकतर मस्जिदों में नमाज ईद की 2 जमात हुई। नमाज के बाद लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। अधिकतर लोगों ने नमाज और कुर्बानी के बाद कब्रिस्तानों में जाकर अपने परिवार के महरूमों की कब्रों पर फातिहा पढ़ी। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में बकरी ईद का त्यौहार मनाया गया। इन बिसिन परिवार की ओर से ईद उल अज़हा की समस्त दर्शकों को ढेर सारी मुबारकबाद। मोमिनपुरा के जामा मस्जिद से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।